तो आज हम लोग के पास एक नया टॉपिक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर क्वाइल कैरिंग करंट। तो एक हम लोग के पास सर्कुलर क्वाइल कैरिंग करंट है, मतलब ये क्वाइल है जो सर्कुलर शेप का है। अब इस सर्कुलर शेप में क्या कर रहा है कि करंट चल रहा है। तो इस क्वाइल का जो सेंटर होगा, ठीक है, ये सेंटर ये होगा। अब सेंटर से अगर हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये एक एक्सिस रहेगा। तो इस एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। तो देखो ये एक क्वाइल है, ये क्वाइल जो है वो सर्कुलर शेप का है, ठीक। अब इस क्वाइल में हमने दो पॉइंट माना है, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। अब इस सी और डी में एक छोटा छोटा एलिमेंट माने, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट यहाँ पे मान रहे हैं एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा लेंथ माने इस जगह पे और छोटा सा लेंथ माने यहाँ पे, ठीक है। अब ये हम लोग का एक्सिस रहा, इस सेंटर से ये कोई पॉइंट पी है जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक। अब इस पॉइंट पी और ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस सी सी के जगह पे, तो यहाँ से जो ये लाइन ड्रॉ किए हैं तो इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि सी के जगह पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये कैसे बनेगा आप लोग को मैं क्लासरूम में दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये एंगल फाई है और ये भी एंगल फाई है, यानी कि इस पॉइंट से सर्कुलर क्वाइल का अपर एंड को देखेंगे और नीचे देखेंगे, तो ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे, तो दोनों ही जगह पर बराबर का एंगल बनेगा। हमने मान लिया वो एंगल है फाइव, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे करंट जाएगा, करंट जाने की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन ये रहा, तो इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ये वाला जो दिख रहा है ये रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करंट जाएगा और इस करंट जाने की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा, ये जो लाइन दिख रहा है डी से पी, इसके परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला, ठीक। तो अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस ए। तो मान रहे एक सर्कुलर क्वाइल है जिसका रेडियस ए है, विथ सेंटर ओ, और इसका सेंटर जो है वो ओ है, इन विच करेंट आई इज फ्लोइंग, जिस पर करेंट आई फ्लो कर रहा है। लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर क्वाइल एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान दे रहे हैं पी है। कंसिडर टू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द क्वाइल ईच ऑफ लेंथ डी एल एट सी एंड डी। तो बोला कि हम लोग मान ले रहे हैं कि दो स्मॉल एलिमेंट्स सी और डी पर मान रहे हैं, जिसका लेंथ जो है वो कितना है डी एल है, ठीक है। विच आर सिचुएटेड डायमेट्रिकली अपोजिट एजेस। जो बिल्कुल अगर ये सर्कल बनेगा तो सर्कल के डायमीटर के एकदम उल्टे दिशा में रहेगा, यानी ये लाइन है तो डायमीटर के एक किनारे पर सी पॉइंट है तो एक किनारे पर डी पॉइंट है। तो अब फिगर से देखो पीसी और पीडी का वैल्यू कितना आएगा। तो ये पी से सी का वैल्यू हमने माना है आर, और पी से डी का वैल्यू हमने माना है आर, ठीक है। तो इस आर का वैल्यू कितना आएगा, देखो आपको यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है, राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसका अगर यदि आप लोग यूज करोगे तो आर का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वहीं से हमने आर का वैल्यू निकाल लिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने एक और एक चीज माना है, तो मान ले रहे कि एंगल सी पी ओ और एंगल डी पी ओ जो है वो फाई है और दोनों आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ के अनुसार से हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी करंट एलिमेंट की वजह से। तो वो होता है डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन 90 बटा आर स्क्वायर। अब ये आपको बता कर रखें कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट पुट कर दिया 90 डिग्री। अब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 हमने पुट कर दिया, तो डी बी का वैल्यू मिल गया इतना। अब ये जो डीबी है, इस डीबी का डायरेक्शन कितना होगा, तो ये डीबी का जो डायरेक्शन है वो डीबी का डायरेक्शन होगा सीपी के परपेंडिकुलर। तो आप फिगर देखना, फिगर में आपको सीपी दिखेगा लाइन, उस सीपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट डी से जो करंट एलिमेंट था उसके कारण। तो
पॉइंट डी में जो करंट एलिमेंट था आइडियल, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा सेम टू सेम म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन 90 बटा आर स्क्वायर। तो अगेन वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को ये मिलेगा। अब यहाँ से इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू डी पी। तो आप लोग देखना फिगर में डी पी कहाँ है, तो डी पी के परपेंडिकुलर दिशा में आपको दिखाई देगा ये वाला पॉइंट पी एफ, ठीक है। तो वही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से फिगर में लेके चलता हूँ। देखिए इस फिगर में आप लोग को दिख रहा है कि ये जो एक डी बी है, डी बी का डायरेक्शन किधर आया है, पी सी के परपेंडिकुलर, और एक दूसरा जो डी बी है उसका जो डायरेक्शन आया है वो किधर आया है, इस पी डी के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अब देखो ये डी बी जो दिख रहा है वो कुछ एंगल से झुका हुआ दिख रहा है, ये फाई एंगल से झुका हुआ है इस लाइन से। तो अगर कोई भी लाइन झुका हुआ हो कुछ एंगल से वो दो कंपोनेंट में टूटता था, तो एक टूटेगा डी बी कोस फाई, एक टूटेगा डी बी साइन फाई। तो इधर फाई था तो इधर टूट गया डी बी कोस फाई, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे टूट गया डी बी साइन फाई। तो ये डी बी साइन फाई आया है इससे। अब सिमिलरली ये जो डी बी है, ये डी बी भी इससे फाई एंगल में है, तो ये भी दो भागों में टूटेगा। तो इस ओर टूटा डी बी कोस फाई, और इधर जो टूटा वो टूटा डी बी साइन फाई। तो आप देखेंगे कि ऊपर में इस डायरेक्शन में जो डी बी कोस फाई है और इस डायरेक्शन में जो डी बी कोस फाई है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बच गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया पी से एक्स की ओर, और वो कितना है, डी बी साइन फाई। तो देखो एक एक करंट एलिमेंट के कारण एक डी बी साइन फाई, एक करंट एलिमेंट के कारण फिर से एक डीबी साइन फाई। तो इसी तरीके से जितना सारा करंट एलिमेंट होगा सारे की वजह से डीबी साइन फाई आते रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरे क्वाइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे क्वाइल की वजह से कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई। अब हमने क्या किया, ये जो डीबी है इस डीबी का वैल्यू पुट कर दिया। देखो हम लोग यहाँ पे डीबी का वैल्यू निकाल चुके थे, उस डीबी के वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब जो कांस्टेंट टर्म था उसको हम बाहर निकाले, तो कांस्टेंट टर्म हमको दिखा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई, इसको हमने बाहर कर दिया। अब बच गया डी एल। अब देखते हैं कि साइन फाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग फिगर देखना, तो साइन फाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फिगर से पी बाई एच के फॉर्म में। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, पी बटा एच लिख लिए, और पी का वैल्यू आप लोग फिगर में देखना ए आएगा और एच का वैल्यू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने साइन फाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया ये वैल्यू। अब देखो कि ये डी एल, इन डी एल इंटीग्रेशन कितना होगा, तो डीएल सर्कुलर क्वाइल का एक छोटा सा लेंथ था, तो पूरा लेंथ कितना होता है, सर्कुलर क्वाइल का पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहां पे आर ना होकर के ए है, तो हम लोग को वैल्यू मिल गया 2 पाई ए। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, तो बी बराबर एज इट इज ये जितना था उसको छोड़ दिए, साइन फाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया तो ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का वैल्यू पुट कर दिया 2 पाई ए। अब जो जो कैंसिल होने लायक रहेगा उसको कैंसिल कर दो, अगर कैंसिल नहीं होगा तो उसको रहने दो, ठीक है। तो यहाँ से दिखा हम लोग का पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हुआ तो बचा 2। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ से पावर 1 और यहाँ से पावर 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो पावर आएगा 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नेट मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन किधर रहेगा, पी से एक्स की ओर। तो ये तो हमने निकाला है अगर क्वाइल में एक टर्न रहता, तो अगर क्वाइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो इस वैल्यू में सिंपली एन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपली एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केसेस कि व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्वाइल, अगर पॉइंट पी सर्कुलर क्वाइल के सेंटर में रहा, तो अगर सेंटर में रहा तो इस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो तो हम लोग को वैल्यू मिला ये म्यू नॉट आई एन स्क्वायर बटा 2 ए क्यू। फिर जो जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दो, और बाकी बात हम लोग को बच गया म्यू नॉट एन आई बटा 2 ए। अगला केस है कि व्हेन पॉइंट पी लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्वाइल, अगर सेंटर ऑफ क्वाइल से बहुत ज्यादा दूर में हो पॉइंट, तो क्या होगा कि x का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा a के कंपेयर में। तो अब इस बार क्या करेंगे, इस a का वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तो हम लोग को ये वैल्यू मिला b बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई आई एन ए स्क्वायर बटा एक्स क्यूब। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वैल्यू मिल गया 4 पाई और ऊपर वैल्यू आ गया 2 पाई एन आई ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। अब यहाँ तक हमने बस रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया, यहाँ से वैल्यू को यहाँ पे रीअरेंज कर दिया है।
पाई ए स्क्वायर के टर्म में कर दिया। अब देखो कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग का आर ना होकर के ए है, तो क्या हम लोग इस पाई ए स्क्वायर की जगह पे हमने हम ए लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो बी बराबर म्यू नॉट बटा फोर पाई टू एन आई ए बटा एक्स क्यू, इस पाई ए स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया ए। ठीक, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है एन आई ए, तो ये एन आई ए ये तीनों टर्म को रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एम। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं बड़ा एम से, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो वैल्यू मिला म्यू नॉट बटा फोर पाई टू एम बटा एक्स क्यूब। तो यहीं से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर टर्म्स एंड एरिया ऑफ करेंट लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो देखो ध्यान से, एन से आया टर्म्स, आई से आया एम्पियर और ए से आया एरिया, तो बोला कि एम्पियर टर्म्स और करेंट के लूप के एरिया को प्रोडक्ट कर दीजिए, जो क्वांटिटी मिलेगा उस क्वांटिटी का हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इसका यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे, ये नंबर ऑफ टर्म्स का कोई यूनिट नहीं, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर।